लाइव हो गए। चलिए चलिए, फोटो ठीक आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। अभी 4 बजने में 2 मिनट कम है। चार बज चुके हैं। आप सबको नमस्कार। धीरे धीरे लैपटॉप में भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी खोलने में। आज कास रोग के बारे में चर्चा करें। कई लोगों का कहना था कि कास के बारे में भी एक व्याख्यान हो जाए, तो आज कास के ऊपर व्याख्यान होगा। पहले प्रश्नोत्तर देख लें, प्रश्नों के बारे में आपकी जिज्ञासा उसको शांत कर दे। डॉक्टर आंचल महेश्वरी जी ने यह जिज्ञासा प्रकट की है, क्या श्रोधारा और स्नेहपान दोनों साथ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, श्रोधारा भी कर सकते हैं और स्नेहपान भी कर सकते हैं। शास्त्र में सिद्धांत यह है कि एक साथ मुख से और गुदा के माध्यम से स्नेह नहीं देना चाहिए। जैसे जब आप अनुवासन वस्त्र दे रहे हैं तब स्नेह नस्य नहीं करना चाहिए, तो शिरोधारा स्नेह पान करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राशि गर्ग जी ने औपीड़न डालने से पूर्व क्या औपीड़न द्रव्य गुनगुना करना चाहिए? तो बिल्कुल, पंचकर्म के अंतर्गत जितने भी आभ्यंतर स्नेह है या और कोई भी चीज काढ़े बस्ती के द्वारा दी जाते हैं, नासा के माध्यम से दिए जाते हैं, औपीड़न के माध्यम से दिए जाते हैं, वो सभी सुखोष्ण करके ही डालना चाहिए। डॉक्टर आंचल महेश्वर जी ने और पूछा है कर्ण पूरण के बारे में। कर्ण पूरण जो है नित्य प्रतिदिन करने वाली प्रक्रिया है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से। आप जैसा जानते हो कि कान में वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व उपस्थिति रहती है। वेस्टिबुल नर्व का काम है बैलेंस करना, कॉकलियर का काम है सुनने का काम, और इसको बराबर पोषण आप देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में क्लीनेस प्रॉब्लम, बहरापन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सरसों तेल को, सरसों तेल में थोड़ा से मेथी डाल लें और उसको खड़खड़ा लें, जला दें, और जब ठंडा हो जाए तो इसकी 4-4 बूंद दोनों कर्ण में दोनों टाइम न डाल के आता ही डालें तो अच्छा है। प्रतिदिन कर्ण पूर्ण करने से निश्चित रूप से लाभ हो प्राप्त होता है। ये तेल का भी कर्ण पूर्ण आप कर सकते हैं, लेकिन मूर्छित आपको करना पड़ेगा, मूर्छित तेल। विनोद मित्तर जी ने पूछा है साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। साइजोफ्रेनिया आयुर्वेद के हिसाब से दोषज उन्माद के अंतर्गत हम उसको अंतर्गृहित कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट कभी अकारण हंसता है, मुस्कुराता है, कभी गायन करता है, कभी नृत्य करता है और असंबद्ध वार्तालाप करता है, जिसका कोई प्रकरण नहीं है ऐसे वार्तालाप करता है। इसके अलावा असहनशीलता होती है उसमें, नेत्र में लालिमा होती है, ये जब लक्षण मिले निश्चित है माने कि सिजोफ्रेनिया का ये पेशेंट है। इसमें उन्मादे वादजे पूर्वम स्नेह पानम विशेषवत कुर्यात आवृत मार्ग हेतु सस्नेह मृदु सोदनम अपित्वोद भवेद अपादो बमनम सा विरेचनम। इसमें मृदु शोधन, बमन और विरेचन दोनों कराएं, और इसके बाद नस्य कर्म भी इसमें बहुत ही लाभकारी है। इंद्रिय वर्धक तेल 4-4 बूंद दोनों नासा में प्रतिदिन डालें, और चरस तर्पण यदि कर सकते हैं, अभ्यंग पिचु धारण, शिरोधारा और शिरोवस्त्री ये भी यदि आप कर सकते हैं तो जरूर कराएं। इसके बाद फिर औषधि के
रूप में हम उन्माद गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, बात कुलांतक 60 मिलीग्राम और प्रोवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ऐसी 2 या 3 मात्राएं ब्राह्मी रसायन के साथ इसका सेवन कराएं। एक दूसरा योग और है, भूत भैरव रस 125 मिलीग्राम, उन्माद भंजन रस 125 मिलीग्राम और मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है, ऐसे 2 या 3 बार ब्राह्मी रसायन के साथ इसका सेवन कराएं। नींद यदि नहीं आ रही हो तो सर्वगंधा बटी और ब्राह्मी बटी दो दो गोली दिन में 2 बार दें। सारस्वतादि चूर्ण भी 5 ग्राम सुबह शाम को देना चाहिए और साउंड स्लीप के लिए जटामांसी और वचा, इनका चूर्ण बना करके भी सेवन कराएं। आसो अरिष्ट में सारस्वतारिष्ट का प्रयोग करें और मेद रसायन क्वाथ, ये जो बहुत श्रेष्ठ क्वाथ है, ये मैंने आपको बताया था, कई लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। इसमें शंख पुष्पी, मंडूकर्णी, मुलैठी और गिलोय, 4 औषधियां हैं, इनका निरंतर सेवन कराने से निश्चित रूप से रोगी को बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ये साइजोफ्रेनिया के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में मैं अपने अपने अनुभव मैंने आपको बताए। गुरुप्रीत कौर जी ने वात प्रतिक्षाय का ट्रीटमेंट पूछा है, जिसमें पतला स्राव हो रहा है, छींके भी आ रही हैं लगभग 2 साल से, और उसको नासागत रक्त पित्त भी कभी कभी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक मैं आपको काढ़ा बताऊंगा, इसका सेवन करें। इसमें मुलैठी, गिलोय, कंठकारी और वासा, मुलैठी, कंठकारी, गिलोय और वासा 200 ग्राम लेकर के ये कर लें और इसके काढ़े का सेवन पेशेंट को कराएं। 20 ग्राम द्रव्य और 4 कप पानी में बॉईल करें, 1 कप बचे तक इसको पकाएं, ऐसा 1 कप सुबह शाम को खाली पेट में दोनों टाइम देना चाहिए। इसके अलावा स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, ऐसे 2 या 3 बार शहद के साथ चटाएं। इसके अलावा कोष शुद्धि जरूर कराएं, मृदु शोधन जरूर कराएं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जब भी ज्यादा होता है तो प्रतिक्षया भी अधिक होता है, कॉन्स्टिपेशन न रहे इसके लिए एरंड भ्रष्ट हरित की इसका प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आइए, डॉक्टर चरित मूर्ति जी ने, डॉक्टर मूर्ति जी ने पूछा है, पैरालिसिस विद स्पास्टिसिटी, 5 साल से है, 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट है उनका, निश्चित है यह सडन ऑनसेट हुआ होगा, अपर मोटर न्यूरॉन की डिसऑर्डर है, इसमें मृदु शोधन पहले कराएं, मृदु स्नेह युक्त विरेचन हल्का, बहुत तेज इसमें नहीं कराना है, उसके बाद सर्वांग अभ्यंग और सर्वांग स्वेद निरंतर करते रहें, बीच बीच में 15-15 दिन के कोर्स सर्वांग धारा और षष्टिकशाली श्वेत का करें। इसमें अनुवासन वस्ती, मात्रा वस्ती के रूप में 10 मूल तेल या सहचर तेल 30 ml, भोजन के बाद निरंतर 11-11 दिन के कोर्स 2-3 कोर्स कराएं। ऐसे केस में उद्वर्तन भी अच्छी चिकित्सा होती है, साथ में यदि आपके पास साधन है तो शिरोधारा भी कराएं, शिरोधारा कराने से निश्चित रूप से रोगी को ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इंद्रियवर्धक
या अनुपैल से नस्य करावे, चार चार बूंद की मात्रा में दोनों टाइम। फिर लगातार धैर्य पूर्वक आप 3-4 महीने ट्रीटमेंट देते हैं तो निश्चित है इसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध में घोल करके, आधा कप दूध में घोल करके दोनों टाइम देवे तो निश्चित रूप से। लेकिन इसमें आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा और पेशेंट को भी धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दिन बाद आपके पास आया है पेशेंट, 5 साल के बाद। तो आप जानते हो एक बार न्यूरॉन का डिजेनरेशन हो जाए तो डिजेनरेशन बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ही ये टाइम लेता है, लेकिन ठीक होगा ये निश्चित बात है। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, उन्होंने पूछा है त्रियोष्णात घृत कफ व्याधियों में आभ्यंतर से, इसमें त्रिफला, त्रिमद और गुड़। त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और गुड़, इनको लेकर के आप घृत, वो घृत सिद्ध कर लें, और ये तीक्ष्णा घृत बड़ा उपयोगी घृत है कफज व्याधियों के लिए। एक और प्रश्न पूछा है उन्हें, जामवी पिंड श्वेत और पत्र पिंड, पत्र पिंड श्वेत संधिवात के लिए श्रेष्ठ है और जामवी पिंड श्वेत आमवात के लिए श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने गुण हैं, दोनों ही लाभप्रद होते हैं। हाँ, जहां कफ का और आम का अनुबंध हो वहां जामवी पिंड श्वेत करें, और जहां पर वायु डिजेनरेशन से संधिवात हुआ हो वहां पत्र पिंड श्वेत का प्रयोग। डॉक्टर के एन गंगवार जी ने मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है, इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। इसमें बृहत कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम, वादकुलांतक 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, ऐसी 2 या 3 बार इन मात्राओं का सेवन कराएं। इसके अलावा एक रसयोग और बता रहा हूं मैं आपको, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम, ऐसे एक पुड़िया है, दिन में 2 या 3 पुड़िया आप ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं, शहद के साथ कराएं। इसके अलावा ब्राह्मी वटी और गिलोय घनवटी भी इस रोग के लिए उपयुक्त है, इनका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। डॉक्टर सिंद्रे जी ने, विलास राव जी ने, सीवियर कंडू, बहुत ज्यादा कंडू हो तो क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट, तो निश्चित है यह त्वचा रोग है, इसमें कॉमन और विरेचन दोनों कर्म कराएं, घर से आप अभ्यंतर स्नेह पान करके वमन कराएं और उसी प्रकार विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात संसर्जन क्रम जब संपूर्ण होता है तब पंचनिम्न बटी महामंजिष्ठादि बटी दो दो गोली दिन में 2 बार देवें। खजीरारिष्ट 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। औषधि योग में स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2-3 बार शहद के साथ चटाएं। इससे भी कंडू न जाए तो अल्टीप्लेक्स लोशन पूरे शरीर में, उसमें थोड़ा कपूर डाल दें अल्टीप्लेक्स लोशन में, तो तुरंत खुजली बंद हो जाएगी। अगर ये उपलब्ध ना हो तो करंज तेल में कपूर डाल करके और पूरे शरीर में रोगी को लगाएं, इससे खुजली में शांति प्राप्त होती है। बहुत ज्यादा कोई एलर्जिक हो तो आप उसमें हरिद्रा खंड का भी सेवन करा सकते हैं। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने पूछा है, दशमूलादि तेल का ग्रंथ आधार, ये हर ग्रंथ में है, विशेष रत्नावली में आप देख लीजिए, और बड़ा सिंपल तेल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप विशेष रत्नावली को देख सकते हैं। डॉक्टर सुरेखा सैनी ने ऑलिगो
मेनोरिजिया और सेकेंडरी अम्योरेजिया की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ऐसा आप जानते हैं ऑलिगो मेनोरिया के कम मात्रा में मेंस्ट्रुएशन निकलता है 35 डेज के बाद मेंसेस होते हैं। साल में मुश्किल से 4 या 5 ही पीरियड्स आते हैं, उसको बोलते हैं ऑलिगो मेनोरिया। सेकेंडरी मेनोरिया, इसमें एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है। कभी कभी 3 माह तक नहीं होता, कभी कभी 6 माह के बाद आता है, अनिश्चितकालीन होता है। इसकी चिकित्सा में हम प्रोड्रान तक लौह 250 मिलीग्राम, शिलेज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसको शहद के साथ खाना चाहिए। मेंसेस बढ़ाने के लिए कुमारियासो और लोहासो, कुमारियासो 4 चम्मच, लोहासो 4 चम्मच, 8 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दें। इसके अलावा हरीतकी और शुंठी, हरीतकी और शुंठी बराबर बराबर मात्रा में लेकर के बारीक चूर्ण करें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार रोगी को सेवन कराएं, तो इससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर मोनिका चिटनेविस ने पूछा है, निद्रा अवस्था में कई लोग बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं निद्रा अवस्था में, निश्चित रूप से जब निद्रा कम आती है तब इस प्रकार के लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें जटामांसादिक्वाथ का प्रयोग करें। इसमें अश्वगंधा, खुरासानी, अजवाइन और जटामांसी, जटामांसादिक्वाथ, ये बराबर बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम लेकर के यवकुट कर लें और इसका काढ़ा दिन में 2 बार बनाएं। नस्य कर्म भी इसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसमें ब्राह्मी घृत से नस्य कर्म कराएं और साथ में अगर उसको कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो मृदु शोधन भी कराएं, ताकि अपान वायु अपने स्थान में, जब अपान वायु उद्गत हो जाती है तो इस प्रकार के रोग होते हैं। डॉक्टर नारू पाल जी ने एक्जिमा और शीतपित्त चिकित्सा के बारे में पूछा है, हस्तपाद में फटना फटना भी होता है, तो हस्तपाद यदि कटते फटते हो, दवाई फटती हो, उसको विपाधिका आयुर्वेद में कहा गया है। इसके लिए कैशोर गुग्गुलू और अमृतादि गुग्गुलू दो दो दिन में 2 बार देवे और पैरों की सोते समय अच्छी सफाई करें गर्म पानी से, और इसमें फिर गुलाब जल और नारियल तेल दोनों मिला करके अच्छी मालिश करें, और यदि ग्लिसरीन हो तो ग्लिसरीन 20 ml, 20 ml पानी गुलाब जल और चारोली, जिसको हम चिरौंजी बोलते हैं, वो 20 ग्राम लेके एक पेस्ट तैयार कर लें, रात को सोते टाइम पैरों को अच्छी तरह साफ करने के बाद लगा के सो जाएं। ऐसा प्रतिदिन आप 15-20 दिन करेंगे तो एड़ी में जो बीमारी होती है फटना कटना वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। एक्जिमा और शीतपित्त स्किन डिसीज है, तो निश्चित रूप से पहले आपको शोधन कराना पड़ेगा। कुष्ठ की ही भेद है ये, कुष्ठादि बहुहीति कुष्ठम, बहुदोषा संशुद्ध कोष्ठी बहुशा अनुरक्षिता प्राणान, यहाँ बहुदोष की अवस्था है। तो बमन विरेचन और वस्ती कराने के पश्चात फिर दवाई आपको देना चाहिए। शीतपित्त में विशेष चिकित्सा पद्धति है अभ्यंगा कटुक तैलम चा, अभ्यंग जो है कड़वे तेल यानी सरसों तेल से मालिश करना चाहिए, शीतोष्ण और सिकाई गर्म पानी से करना चाहिए। अभ्यंगा कटुक तैलम चा स्वेदस्य उष्णेन वारिणाः तथा आशु वमनम कार्यम पटोलारिष्ट वासिकैः, पटोल
और वासा, इनका काढ़ा बना करके 100 ml मदन फल 15 ग्राम दो कुट करके रात में डाल दें, और प्रातः जब वमन करना हो तो उसको मस लें और इसको छान लें, और इसमें शहद 20 ml 2.5 ग्राम सेंधव मिला करके वमन कराएं। और त्रिफला पुरुष कृष्णा भी, त्रिफला गुगुलू, त्रिफला करीब 25 ग्राम, गुगुलू 10 ग्राम, और कृष्ण निशोथ काला त्रिव्रत 30 ग्राम, इनको लेके काढ़ा बनाएं और इसमें कैस्टर ऑयल मिलाएं करीब 40। आपको हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ देवे। इसके अलावा इसमें एक कैप्सूल आती है अर्टिफैक्ट, लाल मोगरा तेल में थोड़ा से कपूर मिला दें, या सुबह शाम आप भयंतर पान कराएं। आसु अरिष्ट में महामंजिष्ठा आदि क्वाथ का सेवन कराएं और आरोग्य वर्धनी भी देवे। डॉक्टर विजय सैनी जी ने अर्जित का ट्रीटमेंट पूछा है, तो अर्जित में निश्चित रूप से नस्य कर्म बड़ा उपयोगी है। इसमें नावन नस्य देने का और शोधन आवन बचा तेल से दें, 2 दिन अणु तेल 4-4 बूंद और तीसरे दिन बचा तेल या विडंग तेल 6-6 बूंद या षड बिंदु तेल 6-6 बूंद या 8-8 बूंद सिराहा अभ्यंग है, चुधारण है, और उपनाह है स्वयं। उपनाह के लिए एरन पत्र ले लें, एरन पत्र में दशमूल तेल या सहचर तेल लगा मूर्धम तर्पण में उचा नाड़ी शोधो उपनाश्य आप्यानो पिष्टे हिताः। एक योग और मैं अपना अनुभव बताता हूं, अर्जित रोगी 6, 5 या 6 नग लहसुन ले लीजिए और इसको मक्खन या तिली तेल में इसके चटनी स्वरूप कर लीजिए, उसको पीस लीजिए, प्रातः काल खाली पेट में इसका सेवन कराएं। आप देखेंगे 20-21 दिन के सेवन से अर्धित बिल्कुल ठीक हो जाता है। नस्य कर्म करें और साथ में लहसुन का योग जो मैंने बताया है वो करें। कभी कभी आवेग जन व्याधि भी होती है अर्धित, अभी हुआ अब ठीक भी हो सकता है और फिर लगातार भी होता है। अर्धित में वेदना भी होती है, उत्तेज व्यवहार तो अत्यंत खा देता है कठिनानि वा हस्तो जुर्मतो वायु भाराद विषम शायिनः सौष्ठ चुबुक ललाटे क्षण संधि का अर्धक तरलम वक्रम अर्धम जन्य तथा वक्री भवत वक्रार्धम ग्रीवा चाप वर्ते तरशलति वाक सौंगर नेत्रादि नाम च वही कथम वायुर ऊर्धम तु सोपातोद मन्य अनुग्रह तम अर्धम इति प्राह व्याधि व्याधि विचक्षणा। पक्षवत अर्धित में यही है अंतर है, पक्षवत में वेदना नहीं होती लेकिन अर्धित में सुश्रुत के अनुसार से वेदना भी होती है, तो इसलिए इसमें वाद कुलांतक चिंतामणि और गिलो ईश्वर
हथवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, बाद कुलांतक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा दें अर्जित के रोगी में। और पूछा है औषधि किस कंपनी के लिए, तो ये तो अपनी अपनी पसंद है मैं, लेकिन फिर भी डाबर की औषधियां, कृष्ण गोपाल की औषधियां मैं अच्छी मानता हूं। रविराज कोंकानी, इन्होंने अबवाहों के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। अबवाहों की तुलना फ्रोजन शोल्डर ज्वाइंट से की जाती है, इसमें शोल्डर ज्वाइंट से लगाकर हस्त पर्यंत तक वेदना हो सकती है, इसको अबवाहों कहते हैं। अबवाहों में नस्य कर्म कराना चाहिए, पहले तो सुखरोष जल से, नमक युक्त जल से वमन करा दें हल्का, इसमें कोई अभ्यंतर स्नेह पान देने की आवश्यकता नहीं है, नमक पानी से वमन करा दे। वमन कराने के बाद लघु आहार देवे और इसमें पिपली सुरस से नस्य कर्म करें, पिपली ले लें, ग्रेट पीपल जिसको बोलते हैं उसको चूर्ण बना लें और करीब 2 चम्मच की मात्रा में भिंगो के रात्रि में रख दें, प्रातः काल इसको मचल के छान लें और इसकी 6 से 8 बूंद दोनों नासा में दें। प्रक्रिया वही रहेगी, 2 दिन आपको अनुतेल से स्नेह नष्ट करिए और प्रत्येक 3रे दिन अवपीड़न से अवपीड़न नष्ट दीजिए पिपली का, तो इसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा अवबाहु प्राप्त होता है। इसके अलावा इसे पत्र पर श्वेत कराइए, इसमें अरण पत्र, निर्गुंडी पत्र और अर्क पत्र, दो पत्र को विधिवत पका करके फुट्टी बना के इसमें सेक करें, सेक से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। उसके पश्चात नाड़ी श्वेत भी रोगी को करें। योगों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, सलेजक क्यादि लोह 250 मिलीग्राम और एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन रोगी में कराएं, तो और साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज भी रोगी को बताना चाहिए। अब आइए, नीरज वशिष्ठ जी ने पूछा है क्या ये लेक्चर YouTube में है, तो डॉक्टर नवीन जोशी से आप संपर्क कर लें, वो आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे देंगे। डॉक्टर शिल्पा पालस्कर जी ने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। जैसा कि आप जानते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये नेत्रगत व्याधि है, एक क्रॉनिक हेरिडिटरी आईज डिसीज है, इसमें रेटिना में ब्लैक पिगमेंटेशन उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे रेटिना का डिजेनरेशन भी होने लगता है, इससे विजन लॉस हो जाता है, नाइट विजन भी बहुत ही कम होता है और अंत में ब्लाइंड स्पॉट इसमें हो जाते हैं। ये एक असाध्य व्याधि है, शुरुआती यदि केस आ जाए उसमें नेत्रवस्ती देवे, नेत्रवस्ती फ्लग से देवे, कम से कम 11-11 दिन के 3 कोर्स देवे, तो निश्चित रूप से इसमें लाभ करेगा। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दूध के आधा कप दूध में घोल करके इसका आप सेवन करा सकते हैं। इसके अलावा मुलहटी, शतावरी और अश्वगंधा, मुलहटी, शतावरी और अश्वगंधा इनका चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम देवे। औषधि योगों में नवाइश लौह 250 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टि 60 मिलीग्राम ये एक पुड़िया है, ऐसी खुराक 2 या 3 बार मेध रसायन अवलेह के साथ देवें, ब्राह्मी रसायन जिसको बोलते हैं, और प्रतिदिन त्रिफला घृत का सेवन कराएं 2 चम्मच भोजन के पहले, संशमन के दृष्टिकोण से इसका सेवन कराएं। अमल की रसायन, ब्राह्मी रसायन, च्यवन प्रास ये भी इसके लिए उपयोगी चिकित्सा हो सकती है, इनका आप उपयोग करें। रुचि साहू जी ने स्नोरिंग
ट्रीटमेंट पूछा है, सोते समय घुरघुराहट होती है, तो निश्चित है साउंड स्लीप ना होने से होता है, और कभी कभी ओबेसिटी के अवस्था में भी स्नोरिंग प्राप्त होती है। इसमें पहले अगर ओबेसिटी है तो उसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि गले में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है और उसकी वजह से स्नोरिंग आती है। दूसरा, ये एक प्रकार की वायु की विकृति है, इसमें विरेचन कर्म कराएं, जैसे अपान वायु का ऊर्ध्वगमन हो, विरेचन कराएं। विरेचन कराने के पश्चात इसमें नस्य कर्म कराएं, नस्य कर्म। इसमें षडबिंदु तैल 6-6 बूंद की मात्रा में लगातार 21 दिन तक करें, तो निश्चित रूप से इसमें रोगी को फायदा होगा। साथ में इसमें सारीवादी बटी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम, इसका भी सेवन कराएं। डॉक्टर नवनीत दाधीच ने हृदय रोग व्याख्यान के लिए कहा है, आगे इसका ध्यान रखेंगे। गुरुप्रीत कौर जी ने नासागत रक्तपित्त की हिस्ट्री हो तो क्या संजीवनी आरोग्य दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, रोगी की अवस्था अनुसार आप उसको दे सकते हैं। एक डॉक्टर ने पूछा है, नाम स्पष्ट नहीं है, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या सर्वांग सोजित कर सकते हैं? अगर वमन विरेचन कराना हो तो बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन प्रातःकाल 7-8-9 के अंदर आप कर लें तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली। हाँ, जो नित्य प्रतिदिन सर्वांग सोजित करते हैं तो निश्चित रूप से दोपहर को नहीं करना चाहिए, प्रातःकाल 7 से 9 के बीच इस प्रकार की चिकित्सा करना चाहिए। डॉक्टर अनुराग जी जो कि टीकमगढ़ में है, उन्होंने गाल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। कुटकी ले लें 100 ग्राम, टीरा बीज 100 ग्राम, उखचूर चूर्ण 100 ग्राम, शतावरी चूर्ण 100 ग्राम। कुटकी शतावरी गोक्षुर और खीरा बीज, इनका बारीक चूर्ण कर लीजिए और एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार रोगी को सेवन कराएं, इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। साथ में विरेचन भी कराएं, शोधन भी कराएं। शोधन कराने के बाद ये औषधियों का आप सेवन कराएंगे तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम की सफल बनाने में डॉक्टर जे एन नौटियाल जी, जो स्वयं पंचकर्म के ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, डॉक्टर राशि राशि गर्ग जी, डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जो कि उज्जैन में प्रोफेसर है, डॉक्टर नवीन चंद्र जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर महेश दाधीच द्रव्यगुण के प्रकांड विद्वान हैं, सुनील रातोरी, इनका भी पंचकर्म पर बहुत ही अच्छा कार्य है, याग्निक सोलंकी जी, क्षितिजा चौधरी जी, उत्कर्ष वर्मा जी, अशोक खंडवाल, अशोक जी खंडेलवाल जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, और उज्जैन में कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयुर्वेद के बढ़ोतरी के लिए करते रहते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी प्रोफेसर हैं काय चिकित्सा में पंचकर्म में, डॉक्टर अरविंद पाठक, डॉक्टर नीना गुप्ता, डॉक्टर विष्णु हारित, निर्भय कुमार चौहान, संध्या पांडे, डॉक्टर नीना गुप्ता, अंजू कटारे, अमर शुक्ला जी, ऋषि मिश्रा जी, मुकम्बका के कमलेश विश्वास, दिनेश यादव जी, मुकेश साहू, अनुराग अहिरवार, आर सिंह चहल, विनोद बैरागी उज्जैन में है, नवनीत दाधीच, रुचि साहू, कैलाश चावला, भावना सिन्हा, उषा भानी और संदीप सिंह चौहान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए कास के बारे में चर्चा करते हैं। कास, श्वास और कास, त्रय में इसके निदान एक ही कहे हैं, एक ही प्रकार के निदान हैं, लेकिन हिक्का श्वास का वर्णन साथ में है, लेकिन खास का वर्णन अलग है।
उसका कारण है कि इसमें संप्राप्ति में बहुत अंतर रहता है। संप्राप्ति अलग है और भेदों में डिफरेंस है। इक्का श्वास के भेद उनकी अवस्थानुसार मेहोर जो चिन्ह तमक शुद्र भेद सु पंचदा ऐसा किया गया है। विकास का वातज पित्तज कफज क्षतज और क्षय ऐसा वर्णन किया गया है। संप्राप्ति भिन्न है और भेद भी भिन्न है। रसा धूम वाताभ्याम शीतस्थानाम्बु सेवनात् व्यायामात् ग्राम यह जो निदान है वो समान है। जब प्राणवायु उदान वायु से मिलकर कंठ से बेग के साथ बाहर निकलती है तब कास की उत्पत्ति होती है। तब कु शब्द निकलता है। जैसे कास कासे का बर्तन फट जाए और उस प्रकार आवाज आए वैसी आवाज इसमें आती है। ये स्वतंत्र रोग तो है ही लेकिन लक्षण स्वरूप भी होता है। कई व्याधियों के लक्षण के रूप में भी कास की उत्पत्ति होती है। निदानों में देखें तो धूल धूप रज आदि का अत्यधिक मात्रा में सेवन, अति व्यायाम करना, रुक्षान पदार्थों का सेवन और भोजन का बीमार गम हो जाना। अगर भोजन किसी दूसरे मार्ग में इसोफेगस तरफ चला जाए तो खांसी की उत्पत्ति होती है। रसा धूम वाताभ्याम शीतस्थानम सेवनात् व्यायामाद ग्राम धर्माद भूक्षान विषमाशनात्। इसकी संप्राप्ति देखें तो इसमें निदान का सेवन जो हमने बताया उन निदानों का निरंतर सेवन करने से प्रकुपित प्राणवायु उदान वायु से मिलकर वेग पूर्वक टूटे कांसे के बर्तन के समान आवाज करते हुए कंठ के द्वारा बाहर निकलता है उसको कास कहा जाता है। प्राणो हि दानानुग्रह प्रदुष्टा सभिन्न कांसे से स्वन तुल घोष निरेति वक्त्रा सहसा दोषो मनीष्मी कास इति प्रदुष्टा। कास पांच प्रकार की है। कासा है स्मृता पंच वात पित्त श्लेष्म क्षत क्षयी है। क्षयी हो प्रदुष्टा सर्वे बलनस्य उत्तरोत्तरम। ये पांच प्रकार की है वात कफ क्षतज और क्षय और उत्तरोत्तर ये गुरु है। चिकित्सा करने में तकलीफ दे है। इनकी चिकित्सा तत्काल करना चाहिए। पूर्ण रूप में मुख में गले में सूख जैसा अनुभूति होना, कोई चीज फंसी हुई है कंठ में ऐसा लगना, कंठ में तंदु होना, भोजन का गले में अटकना, ये मुख्य रूप से पूर्ण रूप है। पूर्ण रूपम भवेत तेषाम सूक पूर्ण गलास्ता कंठे कंडूष भोज्या नाम और उदस्य जायते। ये वातज कास के लक्षणों को देखें तो हृदय पार्श्व वक्ष और शिर प्रदेश में शूल होना, मुख मालिन्य, बल स्वर और ओज का क्षय होना, कास के निरंतर वेग आते हैं, जो सूखी खांसी आती है, स्वरभेद हो जाता है और अन्न के पचन के पश्चात इसकी वृद्धि हो जाती है। ये वातज कास है। ऐसे कास में उरोदाह, मुखशोष, स्वाद तिक्त, मुंह में तिक्तता महसूस होना, तृष्ण अधिक लगना, वमन, दाह की उत्पत्ति और ज्वर आदि लक्षण मिले तो ऐसे कास है, ऐसा समझना चाहिए। कफज कास रुचि, स्निग्धता, गाढ़ा कफ निकलना, बिना वेदना के खांसी आना, अपच, उत्क्लेश, ये लक्षण मिले तो समझिए कफज कास है। वातज कास की तुलना वूपिंग कफ, एक्ट्रोपिकल इसिनोफिलिया विद ड्राई कफ इससे तुलना कर सकते हैं। एथिक कास की एक्यूट ब्रोंकाइटिस से और कफज कास की तुलना ब्रोंकाइटिस प्रफ्यूज कफ कफ के ज्यादा मात्रा में निकले उसको ब्रोंकाइटिस प्रफ्यूज कफ ऐसा कह सकते हैं। क्षतज कास इसमें शुरुआत में सूखी खांसी आती है, फिर
रक्त आना चालू हो जाता है, कंठ और उरा कंठ प्रदेश और उरा प्रदेश में वेदना होती है, सुई के चुभने समान वेदना होती है और ज्वर भी इसमें हो जाता है। श्वास कृष्णा और आरावत कुजन, स्वर भेद और पर्व भेद, सपूर्व कास्ते शुष्कम तथा स्थिविर श्रोणितम कंठेन रुचता अर्थर्थ ब्रुगणेन एवं चोरसा, सूची भी उत्तीक्षणा भी तुद्धमानेन शूलः, दुख स्पर्शेन शूलेन भेद पीड़ा भी तापना, पर्व भेद जुरा श्वासा तृष्णा वैशूर पीड़िता पारावत इवा कुजन कास वेगा चतुर्भवात। ये लक्षण क्षतज में उत्पन्न होते हैं। अब आइए क्षय देखें। इसमें सपूय दुर्गंधयुक्त कफ का सेवन होता है, अधिक भोजन पर भी कृष्ता गात्र में चूल होता है, मुख त्वचा स्निग्ध वर्ण की होती है, स्वच्छ होती है, नेत्र कांति युक्त होते हैं, असलियों में पीड़ा होती है, पीनस होता है, अरुचि होती है और मानसिक अस्थिरता भी इस रोग में हो जाती है। दुर्गंधम हरितम श्यामम स्थिवेत पूपम कफम स्थानाद उदकास मानस हृदय मनते च्युतम अकस्मात उष्ण शीता तो बहुहासी दुर्बला कृशा स्निग्धाश मुख वर्ण तो श्रीमद दर्शन लोचना पाणी पाद तलैहि सृष्टि सता सुको घृणी द्रो मिश्र आकृति तर्श पार्श्व पीन सोरचि भिन्न समूह से वर्षत्व सर्वभेदो अनिमित्तः। इसकी तुलना क्षयज काश की तुलना पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से कर सकते हैं, उसके लक्षण काफी साम्य होते हैं, लेकिन हालांकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और क्षयज काश बिल्कुल अलग है, वो इन्फेक्टेड व्याधि है और इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। साध्यासाता में वातज पित्तज कफज आस जो है साध्य होता है और क्षतज और क्षय संपूर्ण लक्षण युक्त हो और रोगी कमजोर हो तो असाध्य है, लेकिन यदि बलवान रोगी है और नवीन रोग है तो निश्चित रूप से ये साध्य हो सकता है, कृच साध्य हो सकता है। आइए चिकित्सा देखें। अगर वातिक कास है तो इसमें पहले सबसे पहले स्नेह का प्रयोग करना चाहिए और स्नेह के लिए दशमूल तेल इसके लिए बढ़िया होता है। मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, एक वातिक कास का पेशेंट था जिसको शुष्क खांसी बहुत दिन से आ रही थी, खूब ट्रीटमेंट कराया, एंटीबायोटिक लिया, ठीक नहीं हुआ, मैंने उसको 7 दिन अनुवासन बस्ती दी और रोगी ठीक हो गया। तो डायग्नोस करना बड़ा आवश्यक है, डायग्नोस करने के बाद यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि वातिक कास है तो आप दशमूल तेल का अभ्यंतर स्नेहपान भी कराएं 20 ml दिन में 2 बार और वस्ती अनुवासन के रूप में वस्ती दें। इसके अलावा स्नेह को या क्षीर आदि के माध्यम से भी आप इसको दे सकते हैं। रुक्षस्यानर्जम कासो में स्नेही उपाचरित सर्प भी वस्त्र भी पेयायुस क्षीर साध भी, इनके माध्यम से स्नेह का प्रयोग करें। उसके बाद स्वेदन करावें, स्वेदन के लिए नाड़ी स्वेद ज्यादा उपयुक्त है। अगर विबंध हो तो अनुवासन वस्ती दे करके विबंध आप नष्ट करें। अनुवासन वस्ती दशमूल तेल की आप दे सकते हैं। अपान वायु की विकृति हो इसमें स्नेह पान कराएं। इसमें स्नेह पान आप दशमूल तेल से या घृतों में आप त्रिफला घृत से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। पित्त अनुबंध हो तो विरेचन कराएं। इतके सकफे कासे बमनम सर्वसा है तथा मदन कास मधु कुथती चली है। योगों में चंद्रामृत रस 125 mg, लक्ष्मी विलास रस 125 mg, श्रृंगारभ रस 250 mg, ये ऐसी एक मात्रा दिन में 2 या 3 मात्राएं इसका आप शहद के साथ जटाएं। दूसरा योग है चंद्रामृत रस 125 mg, रघु बसंत मालती रस 125 mg, सीतोपलादि 2.5 g, ऐसे दिन में 3 बार शहद के साथ पेशेंट को चटाएं। यहां समझना आवश्यक है जहां पर शुष्क काश हो जैसे वातिक में होता है तो वहां सीतोपलादि उपयोगी है, अगर आर्द्र काश है तो वहां पर काली साध देना चाहिए। जहां कफ को निकालना है वहां इलाज बटी, जैसे यहां शुष्क काश है
वातस्कास में तो यहाँ पर एलाधिबटी पेशेंट को देना चाहिए, एलाधिबटी वासाधिबटी का प्रयोग, और अगर कफ निकल रहा है ऐसी अवस्था में लौंगाधिबटी का या व्योषाधिबटी का सेवन कराना चाहिए, और त्रिउष्णात घृत से अभ्यंतर स्नेह पान कराएं तो ज्यादा अच्छा है। और अगस्त हरित की एक रसायन है, अगस्त हरित की रसायन 1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करें। इसके अलावा इस शुष्क कास में, वातिक कास में मुलेठी, कंटकारी, गिलोय, इन 3 औषधियों को योगकुट कर लें 100 ग्राम की मात्रा लेकर के, और 20 ग्राम एक डोज, 4 कप पानी डेल के 1 कप शेष रहने तक पका लें, और खाली पेट में दोनों टाइम दें। इसमें निश्चित रूप से वातिक कास में बहुत ही अच्छा आराम प्राप्त होता है। पैतृक कास, कफान बंद होने पर स्नेहपान पश्चात वमन कराएं, वमन के बाद विलेपी आदि का सेवन कराएं। कास हीन होने पर, कम आ रही हो और कफ युक्त हो तो विरेचन भी इसमें हम करा सकते हैं। कफ गाढ़ा हो तो तिक्त द्रव्यों से सिद्धित त्रिवर्त का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा चीनी का शरबत, मुनक्के का रस, ईख, दुग्ध, मधुर शीतल द्रव्य का सेवन भी यहाँ आप करा सकते हैं। रस योगों में चंद्रामृत रस, द ड्रग ऑफ चॉइस है, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, कफ केतु रस 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। इसके अलावा वासारिष्ट 20 ml भोजन के बाद समजल के साथ देवें, लौंगाधिबटी चूसने के लिए देवें, और सीतोपराधि चूर्ण भी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन कराएं। पित्त सकफे कासे बमनम सर्वता हरम तथा मदन कासवर मधु कुथति चली है, और अगर कफज है बलिनम बमने ही आदो शोधितम कफ कास नहीं है, जवान नहीं है, कटु रोग शस्त्र नहीं है, कफक नहीं चार्ज चरित। अगर कफज है और बलवान रोगी है तो उसमें वमन कराना है, और उसके बाद कफनाशक आहार, धूम्रपान अनुबंध होने पर निश्चित रूप से विरेचन कराना है, और इसके अलावा औषधियों में हाँ और एक बात ध्यान रखें, यदि आर्द्र काश हो तो रुक्ष क्रियाएं, और यदि रुक्ष काश हो, शुष्क काश हो, उसमें आर्द्र क्रियाएं या अन्नपान का सेवन कराना चाहिए। औषधियों में कफ कोठार रस 125 मिलीग्राम, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम, और तालीसारी चूर्ण 2.5 ग्राम, ये दिन में 3 या 4 बार इसका सेवन कराएं। इसे मैं रिपीट करता हूँ, कफ कोठार रस 125 मिलीग्राम, चंद्रामृत 125 मिलीग्राम, तालीसारी चूर्ण 2.5 ग्राम, दिन में 3 बार इसका 3 या 4 बार कराएं। विश्वास, उकाश, तृष्णा आदि में मुहुर मुहुर औषधियों का सेवन कराने से लाभ प्राप्त होता है। दूसरा योग है चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, और रस सिंदूर 60 मिलीग्राम। इसे रिपीट करता हूं मैं, चंद्रामृत रस 125, अभ्रक 125 मिलीग्राम, और रस सिंदूर 60 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3-4 बार मात्राएं चमन प्रास के साथ खिलाएं तो और अच्छा रहेगा। चूसने के लिए लौंगादि बटी, क्योंकि तो इसमें प्रचुर मात्रा में कफ निकलता है, लौंगादि बटी चूसने के लिए देवें, दोसाद बटी का सेवन भी कराएं, और पिपल्यादि लेह एक आता है ये भी बड़ा उपयोगी औषधि है, और तालीसादि चूर्ण का सेवन इसमें कराने का है। आप ध्यान रखें, तालीसादि आद्रकाश में, सिद्धो पलादी शुष्क काश में देना चाहिए। अब आइए क्षत काश के बारे में विचार करें, इसमें मधुर बलवर्धक चिकित्सा देना है, और पित्त काश में जो ट्रीटमेंट बताया है वो सारी की सारी
इसमें भी हमको करना है। रक्तस्राव यदि हो रहा हो रक्त स्तंभन के साथ घृतपान कराना चाहिए और उसके पास येवागु का सेवन कराना चाहिए। औषधि के प्रयोग में चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और लाक्षा चूर्ण 2.5 ग्राम, चितुपलादि चूर्ण 2.5 ग्राम। फिर से बोलता हूँ मैं, चंद्रामृत 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, लाक्षा चूर्ण 2.5 ग्राम और चितुपलादि चूर्ण 2.5 ग्राम। ऐसे ही दिन में 2 या 3 मात्राएं दूध के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा एलादी बटी चूसने के लिए देवें, चवन प्रास द्राक्षासों का भी सेवन आप इसमें रोगी करा सकते हैं, बलवर्धक चिकित्सा इसमें करना चाहे। क्षय विकास में दुर्बल रोगी में सभी लक्षण होने पर असाध्य है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, लेकिन बलवान रोगी हो, रोग नया हो तो इसमें प्रत्यक्ष करके चिकित्सा करना चाहिए। औषधि योग में प्रवाल 250 मिलीग्राम, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 125 मिलीग्राम, ऐसी 2 या 3 बार च्यवनप्राश के माध्यम से इसका सेवन कराएं। एक योग और है क्षय विकास के लिए, लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम, काली सारी चूर्ण 2.5 ग्राम और इसमें सिद्ध मकर ध्वज और मिला दें 60 मिलीग्राम। इसे मैं रिपीट करता हूँ, लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, चंद्रामृत 125 मिलीग्राम, काली सारी चूर्ण 2.5 ग्राम और सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम। ये एक क्रिया हुई, ऐसे 3-4 क्रिया दिन भर में च्यवन प्राश के साथ या द्राक्षादि लेह के साथ आप दे सकते हैं। इस तरीके से आज के बारे में कुछ अब मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए और साथ साथ में साफ सफाई का ध्यान और सुखोष्ण जल, उष्ण जल का सेवन काश श्वास का रोगी पिए आधा रोग वैसे ही ठीक हो जाता है। पत्ते का सेवन कराएं, दही है, चावल है, चीजें हैं जिससे खांसी की वृद्धि होती है वो सेवन ना कराएं और साथ साथ में ट्रीटमेंट करें। तो आज इतना ही, आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, आप निरंतर अच्छे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार आप सुनते रहेंगे तो हमारा भी उत्साह वर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।